हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्स द ब्यूटी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैनिटी कास्क बॉक्स के बारे में, उसके अंदर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स के बारे में और उनके प्राइस के बारे में। लेकिन उस सभी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे आजकल एक गिव वीडियो चल रहा है जो कि 20 फरवरी तक ऑन है, तो आप अगर चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर सजेशन में मैं डाल दूंगी, तो वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा आपके लिए आसान कर दिया है। और अब आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस वैनिटी कास्क बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो ये जो बॉक्स है ये है फरवरी का एडिशन। तो फरवरी, जैसे आप सभी को पता है कि वैलेंटाइन वीक होता है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा बॉक्स है, सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब इसे खोलते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से आपको दिखता है, तो सारी रोज पैटर्न जो है उस तरीके से इसकी बुकलेट जो है वो डिजाइन है। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी बुकलेट है वैनिटी कास्क की, तो आप देख सकते हैं इसे कितनी प्यारी लग रही है। तो इस बुकलेट को जब आप खोलते हैं तो आपको खोलने में सबसे पहले जो है इसके अंदर प्रेजेंट सारे प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या क्या सामान जो है वो प्रेजेंट है। तो इस बुकलेट को खोलने पे आपको जो क्रिएशन स्टोरी है वो इसकी पता चलती है कि इसमें क्या क्या सामान आपको प्रेजेंट है, और वो जो कुछ भी ये सब आपको इसमें दिख जाता है। जब आप इसे खोलते हैं तो आपको पता चलता है इसके अंदर माइक ग्लैम के टू ऑफ योर काइंड लॉन्ग लास्टिंग एनिमल ड्यू है। तो ये दो तरीके के नेल पेंट के कलर हैं इसके अंदर, और माइक ग्लैम जो है एक नई कंपनी है बट इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं इसकी ऑलरेडी दो नेल पेंट यूज़ कर चुकी हूँ और वो काफ़ी अच्छा जेल फिनिश देती हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद जो है वो है मॉट्सअप के मास्क जो इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो एक जो है वो रिन्यू के लिए है, दूसरा जो है वो लिफ्टिंग एंड ट्रिमिंग के लिए है। उसके बाद जो नॉर्मली हमें से एक पिक होती है वो पिक है। देन एम कैफिन का नीम कैफिन ग्लो जेल विद एलोवेरा। तो एलोवेरा आप सभी को पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और 25 ग्राम का पैकेज जो है वो इसके अंदर आपको मिलेगा, और इसके की इंग्रीडियंट्स वगैरह दे रखेंगे। इसके अंदर नीम, आर्गन ऑयल, विटामिन ई, कुकुम्बर और कैफिन ग्लिसिन एलोवेरा प्रेजेंट है। देन द नेचर्स एंड को का बॉडी बटर है वाटरमेलन में, तो ये जो है वो 35 ml का है। एंड देन ये जो है रेफरेंस कोड वगैरह है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड देन ये खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं इसकी बुकलेट, इस पर वैलेंटाइन एडिशन जो है कितना अच्छा है और कितनी अच्छी बुकलेट है इसकी, तो काफ़ी अच्छा एडिशन है ये। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इन सबके अंदर प्रेजेंट क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ आपको कि ऐसे दो कूपन जो है वो इसमें मिले हैं। एक जो है वो माई ग्लैम का है, तो इसमें आपको 150 rupees ऑफ मिलेंगे। एक्चुअली ये 150 rupees का अगर आप वैसे भी ऑनलाइन खोलते हैं इसकी साइट, पहली बार ऐप डाउनलोड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा 150 rupees। तो ये कूपन अगर आप यहाँ से नहीं भी यूज़ करते हैं देन आपको इसके जो बेनिफिट है वैसे ही मिल सकते हैं। एंड देन ये है 20% ऑफ। तो ये जो दो कूपन मिले हैं इसके अंदर जो आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं, तो ये दो कूपन है। उसके बाद जो है ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ये एक पिंक कलर का साटन का बैग है, तो इस बैग के अंदर सारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि ये जो बैग है इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो निकल के आते हैं वो है ये ओके मॉट्सअप के जो शीट मास्क। तो एक जो है ये है प्योर रिजुविनेशन एंड रिन्यू बॉडी ब्यूटी फेशियल मास्क 25 ग्राम का। एंड सेकेंड जो है एक्सट्रीम ट्रिमिंग एंड लिफ्टिंग ब्यूटी फेशियल मास्क। तो ये जो दो मास्क हैं इसके अंदर आपको मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे मास्क हैं। और मॉट्सअप जो है वो काफ़ी अच्छी ब्रांड है, तो इसके जो मास्क पहले भी निकल चुके हैं और सबकी कॉस्ट जो है एक की 250 rupees है और दूसरी 250 यानी 500 rupees के ये मास्क हैं। तो ये काफ़ी अच्छे मास्क हैं, आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो आप मार्केट से ही मंगा सकते हैं, और कहीं और से चाहें तो वहाँ से ही मंगा सकते हैं। उसके बाद जो है ये है माई नंबर टू ऑफ योर काइंड जेल फिनिश लॉन्ग लास्टिंग नेल एनिमल ड्यू। तो ये जो है ये ड्यू इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको दो नेल पेंट मिलती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से दो नेल पेंट हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और इसका कलर इसमें रेड है, एकदम हॉट रेड एंड ग्रीन। तो एक्चुअली ग्रीन कलर मुझे मिंटेड ग्रीन जो है वो कलर है, और ये जो है ये रेड कलर। तो इसके पीछे दे रखा है 5 ml की दो हैं और इनकी कॉस्ट जो है वो 390 rupees है। तो ये काफ़ी अच्छी हैं, आप जब इसे निकालेंगे थोड़ी थोड़ी अच्छी इस तरीके से दिखती हैं अलग अलग है, लेकिन अगर आप इसे साथ में लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये नेल पेंट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और इसका रेट भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जेल फिनिश देती है। इससे पहले मेरे पे ड्यू जो था वो ब्लैक एंड रेड का था, तो रेड कलर मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ इसका, बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये नेल पेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नेल पेंट है। तो मतलब काफ़ी अच्छा एडिशन है ये इस बार, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे एडिशन है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सामान है, और ज़्यादा सब सामान जो है वो आपकी स्किन केयर से और मेकअप से रिलेटेड है, और इनकी स्मेल्स भी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद जो है ये वाटरमेलन
बॉडी बटर है, ये नेचर्स एंड को का बटर बटर बॉडी बटर है जो वाटरमेलन का, तो ये सभी स्किन टाइप के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। विंटर्स में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप देखिए ये इस तरीके से है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा पिंक है और हॉट पिंक टाइप का जो कलर होता है वो है, और ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपकी स्किन के ऊपर अप्लाइड हो रहा है। तो इसकी स्मेल की बात करिए तो एकदम वाटरमेलन जैसी स्मेल है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग स्मेल है इसकी, और ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप एकदम से माइंड फ्रेश हो जाता है इसे यूज़ करने के बाद। और ये ज़्यादा लाइट वेट, मतलब हैवी नहीं है और लाइट वेट है एकदम आपकी स्किन के ऊपर, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका कलर काफ़ी अच्छा है, अच्छी वैलेंटाइन है तो पिंक और रेड तो होना ही होना है, तो वो वही ये पिंक कलर है। उसके बाद जो है ये है एम कैफीन का ग्लो जेल विद एलोवेरा, तो ये जो है ग्लो जेल विद एलोवेरा, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर का है, एलोवेरा जो है वो ग्रीन होता है, नीम भी ग्रीन होता है, तो ज़्यादा सभी इसके इंग्रीडियंट जो हैं वो एकदम हर्बल हैं, तो इस वजह से ये ग्रीन कलर का है। आप जब इसे खोलते हैं तो ये इस तरीके से अच्छे से प्रोटेक्ट होके आया हुआ है, तो आप यहाँ से इसे निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और एलोवेरा है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा है, इसका प्लस पॉइंट है ये। और गर्मियों के टाइम पे आप एज ए बेस इसे लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते तो आप इसे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग फिनिश देता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सुन भी रखा है। उसके बाद जो है ये है वो ट्री की मल्टी विटामिन एंड रिजनिंग डे क्रीम, जिसमें है SPF 35, तो ये जो है सेल रिन्यू करती है और SPF 35 है, यानी कि सनस्क्रीन की जगह पे भी ये वर्क कर जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इसे यूज़ करना तो आप इनमें दिन में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्रीम है क्योंकि इसके अंदर SPF है और संग में इसमें मल्टी विटामिन हैं, तो मल्टी विटामिन जो है वो आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, नरिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ में मॉइस्चराइजर भी है, तो ये अच्छी बात है इसके संग। और ये जो है छोटी पूरी इसमें थोड़ा बहुत दे रखा है इसके बारे में कि इसे किसने बनाया है और इसकी कीमत एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, सैंपल कैसे है, तो सेल मतलब सेल नहीं कर सकता आप इसे, तो ये जो है इन्हीं के लिए बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही तो क्यूट सी बोतल है, लेकिन छोटी सी तो देखने काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये जो सामान है वो इसके अंदर प्रेजेंट था। तो दोस्तों इस बार के वैनिटी कास्क बॉक्स के अंदर यही सारा सामान जो है वो प्रेजेंट है, और ये बहुत ही अच्छा सामान है। और हम इसके की मैं बात करें सभी प्रोडक्ट की, तो इनकी स्मेल बहुत अच्छी है, टेक्सचर अच्छा है, और सभी A1 क्वालिटी के हैं, मतलब एकदम से अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड है, और आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली भी इन्हें बाहर से खरीद सकते हो। और ये जो है काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे अच्छा इसमें मुझे लगा है सर नेचर्स एंड को का बॉडी बटर, तो ये जो है इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और इसकी मतलब टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम से फ्रूटी स्मेल है, तो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं आप। ओवरऑल में बात करूँ तो यही सारा सामान जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इन सभी सामान को मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और पर्सनल रिव्यू पूछते हैं आप मेरा, तो ये सारे ही प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं लगभग सभी प्रोडक्ट को मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, सारी कंपनी के प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर रहे हैं और सभी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को ये बॉक्स जो है वो बहुत अच्छा लगा है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि फरवरी का जो एडिशन है उसे आप खरीदें, तो प्लीज़ आप बिना किसी सेकंड थॉट के खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि ये जो अनबॉक्सिंग है ये आपको बॉक्स खरीदने के लिए हेल्पफुल रहेगी, कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये सामान आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो गिवअवे वीडियो चल रहा है तो भाई उसमें भी एक बार पार्टिसिपेट करिए, लोग पार्टिसिपेट करने में कुछ नहीं जाता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर लीजिए। और एंड में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने मुझे अपना इतना प्यार दिया और इतना कीमती समय अपना दे दिया है, क्योंकि समय जो है सबसे ज़्यादा बलवान है और सबसे ज़्यादा कीमती भी है, तो आप सब अपना इतना कीमती समय मुझे देते हो, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।